गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ सुनील कुमार प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी साइंस का बायो का पार्ट चल रहा है और जिसमें चैप्टर 7 है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका हमने जो है अभी तक पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं और पार्ट 4 जो है स्टार्ट होने जा रहा है। और बच्चों, इसके जो भी मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा, और जिससे कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, वृद्धि के कारण क्या होती है? गति। वृद्धि के कारण गति, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट आर फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। मटर के पौधे की तरह है, किसके पौधे की तरह है? पी प्लांट, लाइक द पी प्लांट, मटर के पौधे की तरह है। सम प्लांट्स, कुछ पौधे क्या करते हैं? अदर प्लांट्स या प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब अप, ठीक है ना, टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स जिसके सहायता से प्लांट्स जो है ऊपर की ओर चढ़ते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं, ठीक है ना, प्रतान की सहायता से। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, ये टेंड्रिल्स, ठीक है ना, या ये प्रतान आर सेंसिटिव टू टच, टच के लिए संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, ये टेंड्रिल्स टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट, जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, तो टेंड्रिल का वह भाग जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, ग्रोज ए रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना टेंड्रिल का वह भाग जो ऑब्जेक्ट से दूर रहता है, ठीक है। दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। इस कारण टेंड्रिल ऑब्जेक्ट के चारों ओर से जकड़ लेता है, क्या करता है? इस कारण टेंड्रिल जो है ऑब्जेक्ट को चारों ओर से अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग अप, चारों ओर जकड़ लेता है। मोर कॉमनली, आम तौर पर देखा जाए, प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। आम तौर पर प्लांट्स धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, क्योंकि यह वृद्धि
डायरेक्शनल होती है, दिशिक होती है। इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, इससे ऐसा लगता है कि पादप मूव कर रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस हैं और आप इनको अच्छे से समझिए और अपना आंसर दीजिए। तो आपको बताना है कि फिल ए कोनिकल फ्लास्क विथ वाटर, एक कोनिकल फ्लास्क को वाटर से भर लीजिए। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ ए वायर मेश, फ्लास्क की नेक को वायर के जाल से ढक दीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर कह रहा है कि टू आर थ्री फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर मेस, एक ताज़ा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी कीप टू द थ्री प्लेसेस जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर मेस, इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें कहाँ रहें, जल में रहें। ठीक है ना, जल में भीगी रहें। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, ठीक है, तो एक ओर से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच ए मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो, फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहाँ से प्रकाश आ रहा हो। ठीक है ना, देखिए फिगर नंबर 7.5 में फिगर दिख रहा है ना। आफ्टर टू आर थ्री डेज यू विल नोटिस दैट द सूट वेंट टुवर्ड्स लाइट एंड रूट अवे फ्रॉम लाइट, दो या तीन दिन बाद आप देखेंगे कि सूट प्रकाश की ओर झुक जाता है और रूट प्रकाश से दूर चली जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द सूट आर अवे फ्रॉम लाइट एंड रूट टुवर्ड लाइट, लीव इट अनडिस्टर्ब इन दिस कंडीशन फॉर ए फ्यू डेज, अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि सूट प्रकाश से दूर और रूट प्रकाश की ओर हो जाए, इसे इस व्यवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब प्रश्न आपका कहता है, हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ द सूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन, क्या सूट और रूट के पुराने भागों ने दिशा बदल दी है? तो आपका उत्तर क्या होगा कि भाई प्लांट्स के जो ओल्ड पार्ट रूट और सूट बहुत कम दिशा बदलते हैं, जबकि न्यू पार्ट अधिक दिशा बदलते हैं। ठीक है,
तो क्या प्ररोह, क्या सूट और रूट के पुराने भागों ने दिशा बदल दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि पौधों के पुराने भाग, जड़ और तने बहुत कम दिशा बदलते हैं। जितने ही पौधों के पुराने भाग होते हैं वो दिशा बहुत कम बदलते हैं, जबकि नए भाग जो होते हैं वो अधिक दिशा बदलते हैं। ठीक है, आर दे अ डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ? क्या ये अंतर नए वृद्धि की दिशा में है? तो हाँ, नई वृद्धि की दिशा में अधिक परिवर्तन होता है। वाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ये क्रियाकलाप में स्टेम द्वारा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है और रूट द्वारा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यही बताना है कि स्टेम के द्वारा निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, क्योंकि स्टेम क्या है, एयर की ओर ऊपर की ओर ऊपर उठता, तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा। रूट सॉइल के अंदर की ओर जाती है, इसलिए ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। ठीक है ना, इस तरह हम ये निष्कर्ष निकाल कर देख सकते हैं। Environmental triggers such as light or gravity will change the direction that plant pot grow in. पर्यावरणीय या environmental या पर्यावरणीय triggers प्रेरण such as light जैसे प्रकाश या gravity plant की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। These directional or tropic movement can be either toward the stimulus or away from it. ये directional अनुवर्तन गतियाँ tropic movements उद्दीपन की ओर यानी stimulus की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। So, in two different kinds of phototropic movements, should respond by bending towards light while root respond by bending away from it. अतः आप देख सकते हैं यहाँ पे कि two different kind of phototropic movements में क्या किया जा रहा है कि सूट लाइट की ओर मुड़कर रिस्पांस करता है और रूट इससे दूर मुड़कर रिस्पांस करते हैं। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? यह पादप की सहायता कैसे करता है? यह पादप की सहायता कैसे करता है? प्लांट्स सो ट्रॉपीज में इन रिस्पांस टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। प्लांट्स अन स्टिमुलस या स्टिमुलाई के लिए भी रिस्पांस करके ट्रॉपीज में अनुवर्तन दिखाते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड वाइल द सूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। एक प्लांट की रूट सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि सूट प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। This upward and downward growth
ऑफ सूट एंड रूड रिस्पेक्टिवली इन रिस्पांस टू द पुल ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। यह सूट और रूट में क्रमशः अपवार्ड एंड डाउनवार्ड वृद्धि पृथ्वी या ग्रेविटी के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड चेमो रिफर्स टू द केमिकल, भाई जल का अर्थ पानी होता है और केमी का अर्थ केमिकल सब्सटेंस होता है, तो जलानुवर्तन व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो जलानुवर्तन एंड चीमोट्रॉपिज्म, रसायन अनुवर्तन मीन क्या होगा। कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स, क्या हम इस प्रकार के डायरेक्शनल ग्रोथ के मूवमेंट्स के उदाहरण के बारे में विचार कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ चीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड ओयूल्स, अबाउट विच वी विल लर्न मोर वेन वी एग्जामाइन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चीमोट्रॉपिज्म का एक उदाहरण क्या है, पोलन ट्यूब का ओयूल की ओर वृद्धि करना, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में रिप्रोडक्शन प्रोसेस का अध्ययन करते समय प्राप्त कर लेंगे। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इन्फॉर्मेशन किस प्रकार संचारित होती हैं। द मोमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पांस टू टच इज वेरी क्विक, भाई छुई मुई में टच की रिस्पांस की मोमेंट्स बहुत तीव्र होती है। द मोमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पांस टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। दूसरी ओर अगर देखें तो रात और दिन की अनुक्रिया में फ्लावर की मूवमेंट्स बहुत धीमी होती है, ठीक है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर, और प्लांट्स की वृद्धि संबंधित गतियां भी क्या होती हैं, स्लो बहुत धीमी होती हैं। Even the animal bodies, there are carefully controlled direction to growth. Even the animal bodies, आप समझ सकते हैं कि जंतु शरीर में भी ग्रोथ के लिए सावधानी पूर्वक controlled direction नियंत्रित दिशाएं हैं। Our arms and finger grow in certain direction, हमारी भुजा और अंगुलियां नॉट हैफेजार्डली यादृच्छिक न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट, नियंत्रित गति धीमी या तीव्र हो सकती है। इफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली, यदि स्टिमुलाई के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। फॉर दिस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, इसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज एक उत्तम एक्सीलेंट साधन है।
बट देयर आर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के यूज के लिए क्या हैं सीमाएं हैं। लिमिटेशन टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए क्या हैं सीमाएं हैं, ठीक है ना, लिमिटेशन भी हैं। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं सेल्स तक पहुँचेंगी जो नर्वस टिश्यू से जुड़ी हैं, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, जंतु शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं। सेकंडली वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। दूसरे एक बार एक कोशिका में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनित होता है तथा ट्रांसमिटेड होता है तो पुनः नया इम्पल्स जनित करने में उसे संचारित करने के लिए सेल फिर से अपनी कार्यविधि मैकेनिज्म को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ समय लेगी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, सेल कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दूसरे शब्दों में सेल कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ना जनित और ना ही संचरित कर सकती हैं। इट इज दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले भी रासायनिक संचरण के संदर्भ दे चुके हैं। If instead of generating an electrical impulse, यदि एक electrical impulse जनित करने के अलावा stimulated cells एक chemical compound निर्मोचन करना प्रारंभ कर दें तो this compound would diffuse all around the original cell, तो यह कंपाउंड आसपास की आल सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगा। इफ़ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, यदि आसपास की अदर सेल्स के पास इन कंपाउंड को डिटेक्ट करने के साधन हों तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने योग्य होंगे और इसे संचारित भी करेंगे, ठीक है ना, एंड इवन ट्रांसमिट इट। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट इट कैन नॉट पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी regardless of nervous connection and it can be done steadily and persistently. हालांकि यह प्रोसेस बहुत धीमा होगा, ठीक है, this will be slower of course, में प्रोसेस बहुत धीमा होगा, लेकिन यह नर्व संबंध के बिना भी शरीर की आल सेल्स में पहुँचेगा और इसे अपरिवर्ती तथा अस्थायी बनाया जा सकता है ऑफ द बॉडी रिगार्डेस।
दीज कंपाउंड आर हार्मोन्स यूज बाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सो ए ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी एज वी वुड एक्सपेक्ट। मल्टीसेलुलर एनिमल्स द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन्स हमारी आशा के अनुरूप डाइवर्सिटी दर्शाते हैं। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। विविध प्लांट हार्मोन्स जो हैं डेवलपमेंट एंड रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट विकास तथा पर्यावरण के प्रति रिस्पांस के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं सहायता करते हैं। दे आर सिंथिसाइज एट प्लेसेज अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। इसके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्कड विथ अर्लियर एक्टिविटी 7.2। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं अपने एक्टिविटी 7.2 में कि वेन ग्रोविंग प्लांट डिटेक्ट लाइट अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथिसाइज एट द सूट टिप हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वृद्धि करता हुआ प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन्स जिसे ऑक्सिन कहते हैं यह सूट के टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जब वृद्धि करता हुआ प्लांट लाइट को डिटेक्ट करेगा तो एक हार्मोन्स जिसे ऑक्सिन कहते हैं सूट के टिप में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द सूट। जब प्लांट पर एक ओर से लाइट आ रहा है तब ऑक्सिन डिफ्यूज होकर के सूट के छाया वाले भाग में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? सूट के छाया वाले भाग में आ जाता है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेटेज द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट। तो सूट की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन सेल को लंबाई में वृद्धि के लिए स्टिमुलेट करता है। दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड लाइट। अतः प्लांट लाइट की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। अनदर एग्जाम्पल आर प्लांट हार्मोन्स आर जिबरेलिन्स विच लाइक ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा उदाहरण क्या है? जिबरेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट इज नेचुरल then that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as in fruits and seeds। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को तो प्रेरित करता ही है, प्रमोट करता ही है, इसीलिए यह उन क्षेत्रों में जहां सेल डिवीजन तीव्र होता है विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में ये पाया जाता है। फलों और बीजों में ये अधिक सांद्रता से पाया जाता है।
दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। ये उन प्लांट हार्मोन्स के उदाहरण हैं जो ग्रोथ में सहायता करते हैं। बट प्लांट आल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोविंग। लेकिन प्लांट की वृद्धि के संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। प्लांट की मतलब समझ गए, स्टॉप ग्रोविंग, जहाँ पे से यह सिग्नल मिल रहा हो कि पौधों की वृद्धि अब नहीं होगी, ठीक है, उनके लिए भी ये आवश्यक होते हैं। एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिटिंग ग्रोथ। तो भैया एब्सिसिक एसिड ग्रोथ का, ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन्स का एक उदाहरण है। इट इफेक्ट इंक्लूडिंग वेल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित होता है। तो अब आइए आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आप चक्कर लगा लेते हैं एक, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। बच्चों पेन और कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चन का आंसर भी नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि जो शायद आपको कभी भूलेगा नहीं, और ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये पार्ट जो है हार्मोन्स का, प्लांट हार्मोन्स का बहुत पूछा जाता है। तो आप अपने पेन कॉपी ले लीजिएगा और क्वेश्चन और आंसर नोट कर लीजिए। तो कह रहे हैं कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि विविध प्रकार के प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ डेवलपमेंट्स या एनवायरनमेंट के प्रति अनुक्रिया के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा, आपको अब नोट करना है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। इन प्लांट सम ऑफ केमिकल स्टिमुलेट ग्रोथ एंड वाइल सम अदर रिटार्ड द रेट ऑफ ग्रोथ, सच केमिकल्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, ठीक। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट। भाई छुई मुई प्लांट्स की जो पत्तियों का जो मूवमेंट्स होता है वो लाइट की ओर शूट की गति से किस प्रकार भिन्न होता है, शूट टूवर्ड्स लाइट ना, सूट की गति से किस प्रकार भिन्न होता है। तो आप को बताना यही है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति जो होती है ना, प्रकाश की ओर सूट की गति से किस प्रकार भिन्न होता है। तो एक तो आप पहले समझ लीजिए कि छुई मुई पादप की पत्तियों की जो गतियां होती हैं उसके विषय में एक बार हम बता देते हैं, और दूसरी तरफ बता दें आपको कि प्रकाश की ओर सूट की गति का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए छुई मुई पादप की गतियों की गति की अगर बात किया जाए तो इसमें पत्तियों की गति किसी खास दिशा में नहीं होती हैं, अर्थात उद्दीपक या स्पर्श की दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं। लेकिन प्रकाश की ओर की गति में देखें तो सूट की गति प्रकाश की दिशा में ही होती है, ठीक है। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति में देखो इसमें वृद्धि नहीं होती है, और प्रकाश की ओर सूट की गति में वृद्धि होती है। छुई मुई पादप की पत्तियों में गति में रिस्पांस की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन प्रकाश की ओर सूट की गति में बहुत धीमी होती है।
छुई मुई पादप की पत्तियों की गति हार्मोन द्वारा नहीं होती है, जबकि प्रकाश की ओर सूट की गति ऑक्सिन हार्मोन द्वारा होती है। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति या जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होती है, बल्कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति सूट के दोनों और असमान वृद्धि के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं आंसर। इनसेंसिटिव प्लांट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टेक प्लेस इन रिलेशन टू मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक टच। व्हेन वी टच द लीफ इट बिगिंस टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। सच मूवमेंट आर कॉल्ड सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सच मूवमेंट्स आकर ड्यू टू टर्जर चेंज इन पल्विनस पार्ट ऑफ लीफ। व्हेन शूट मूव्स टुवर्ड्स लाइट इट शोन द फिनोमिनन ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सच मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। तो एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ऑक्सिन पौधे के तने की लंबाई को बढ़ाता है, जिबरेलिन पौधे के तने की वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्लांट हार्मोन्स बताना है, तो लिख लीजिएगा ऑक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंडिल अराउंड अ सपोर्ट। किसी सहारे के चारों ओर एक टेंड्रिल की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक होता है। टेंड्रिल की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टेंड्रिल टच के प्रति सेंसिटिव तो होता है, और टेंड्रिल जैसे ही किसी टच के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सिन दूसरी ओर डिफ्यूज हो जाता है, जिससे उस ओर की सेल्स अधिक लंबी होने लगती हैं और प्रतान विपरीत और टेंडिल जो है विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। इस प्रकार वह सहारे के चारों ओर लिपट कर पौधे को सहारा देता है। तो नोट करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, टेंडिल्स आर सेंसिटिव टू टच व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट। द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दिस काज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट दस क्लिंग टू इट। ठीक है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो भैया, हाइड्रोट्रॉपिज्म को दर्शाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को आपको डिजाइन करना है। ठीक है, तो कैसे आप दर्शाएंगे? मान लीजिए कि हाइड्रोट्रॉपिज्म डिजाइन करने के लिए सीड्स का जर्मिनेशन एक ऐसी ज़मीन के ऊपर करवाइए जो एक तरफ नम हो दूसरी तरफ सूखी हो। तो रेडिकल पहले तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दर्शाते हुए नीचे की ओर गति करेगा, परंतु जल्दी ही गीली मिट्टी की ओर मुड़ने लगेगा, और यह धनात्मक हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट्स को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, लिखना चाहें तो आप लिख लें। ठीक है, वैसे तो अपने से आप लिख ही लेंगे। ठीक है ना,
डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म के विषय में आप इसको लिख सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये पार्ट यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम फिर से आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, गुड बाय।